press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दो IPO आज से मार्केट में आ रहे हैं, एक का नाम है सामही होटल लिमिटेड और दूसरा है जैगल प्रीपेड IPO। ये दोनों IPO को आज फटाफट एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें नहीं लगाना चाहिए और क्या लिस्टिंग गेन रहेंगे। और आप जानते हैं मैं अपने वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या देखना चाहिए जब आप IPO सब्सक्राइब करते हो और कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सामही होटल से और देखते हैं भाई ये लेने लायक है कि नहीं। तो देखिए सामही होटल जो है ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इनके पास देखिए हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 4,801 कीज अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स इन 14 इंडियाज की अर्बन कंजप्शन सेंटर। बेंगलुरु में, कर्नाटका में, हैदराबाद, तेलंगाना, इन सब जगह पे इनके होटल थे। ठीक है, फलाना फलाना। तो देखो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे भाई, इन लोग इनका होटल का बिजनेस है। ठीक है, चल अब इसके जरा फटाफट डेट्स देख लेते हैं भाई क्या है और अप्लाई करना है या नहीं करना। 14 सितंबर से 18 सितंबर तक IPO खुला रहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू 1 की है। सीखो क्या करना है, सीखना है। देखिए फेस वैल्यू 1 ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इन सेंस जब भी आप कोई IPO एनालाइज करें ये बात पे ध्यान दें फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू 10 रहेगी ना, मैंने अपने बहुत वीडियो में बताया है 10 रहेगी तो अच्छा है, 1 नहीं। अब लोग पूछेंगे सर क्यों, अगर मान लो फेस वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा। मैं बताता हूं क्या हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 होने से मतलब क्या हुआ पता है, कि स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ गई, स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर फेस वैल्यू 10 रहता ठीक है तो जो कंपनी मान लो एक कंपनी के पास 10 शेयर्स होते तो फेस वैल्यू 1 कर दिया तो उस कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स आ गए। 100 शेयर आने से क्या हुआ कि उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे क्या होगा सप्लाई ज्यादा आएगा। जब वो लिस्ट करेगा तो सप्लाई ज्यादा आएगा और ये एक मेन प्रॉब्लम होता है जब हम IPO देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए प्राइस बैंड को देखिए, 119 से 126 पर शेयर। तो अगर मैं अप्लाई मुझे किस पे करना है, 126 पे करना है। तो अगर मैं इसको बेसिकली 10 के फेस वैल्यू से देखूं तो प्राइस पता है क्या रहेगा, एक्चुअली प्राइस क्या होगा 1260। मतलब जो इसके प्रमोटर्स हैं दे आर वेरी ग्रीडी। मतलब भाई IPO सीजन चल रहा है, बुल मार्केट है तो सब यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने के पीछे पड़े हैं भाई, लूट लो ग्राहक को। और मैं आपको बताऊं 90% पब्लिक बिना देखे समझे सीधा अप्लाई करती रहती है भाई, कोई ना कोई तो लग जाएगा, कोई ना कोई तो लग जाएगा, किसी में लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, मैक्सिमम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। तो भैया ये बात समझ लो इसकी एक्चुअल कीमत क्या हो गई, 1260 अगर 10 के फेस वैल्यू पे आया होता, बहुत महंगा है यार, सिर्फ लूट रहे। अच्छा इश्यू साइज क्या है, कंपनी 1370 करोड़ उठा रही है, 1400 करोड़ पकड़ लो, 1400 करोड़ उठा रही है, उसमें से फ्रेश इशू 1200 करोड़ का है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 170 करोड़ का, दिस इज फैंटास्टिक, ये वाला एरिया बहुत सही है। आपको ऐसा देखना जब भी आप कोई IPO देखें, ऑफर फॉर सेल बहुत कम होना चाहिए, फ्रेश इशू ज्यादा है तो इट इज वेरी गुड। तो ये वाला एरिया बहुत सही है, यहां से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, इस वाले एरिया से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं सामही होटल से। ठीक है,
तो यहाँ पे चलो 50-50 पकड़ लेते हैं, एक जगह मैं पॉजिटिव हूँ एक जगह नेगेटिव हूँ, ठीक है आगे बढ़ते। 14 को ओपन हो रहा है, 18 को बंद हो जाएगा, 22 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड 25 तक आ जाएंगे, 26 तारीख तक आपके अकाउंट में डीमैट में आपके स्टॉक्स आ जाएंगे, और 27 सितंबर को ये लिस्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं भैया। ध्यान देने वाली बात क्या है, QIB को ये नॉट लेस देन 75% दे रहा है, QIB को 75% से कम नहीं मिलेगा। रिटेल शेयर्स वालों कितना मिलेगा भैया, नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर, मतलब 10% से ज्यादा रिटेल वालों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिटेल में जो लोग खरीद रहे हैं, हम जैसे लोग जो अप्लाई करेंगे, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 10% जो इश्यू साइज है वही आपको मिलना है, उसके ऊपर नहीं मिलना, ठीक है। चलो अब और आगे देखते हैं जरा, इनके जरा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखिए 2001, 2022, 2023 तीन हमारे पास हैं भाई। मेरे को ना रेवेन्यू देखिए, 2021 में 179 करोड़ का रेवेन्यू था, 22 में 333 का, और 31 मार्च में 761 का। रेवेन्यू काफी अच्छा है, लेकिन इससे क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, मतलब कंपनी को आपने सेल तो कर दिया लेकिन आपको फायदा कुछ हो रहा है क्या, आप लॉस में चल रहे हो यार। कंपनी को 477 करोड़ का लॉस था, जो घट के 443 हो गया, और जो घट के अभी 338 करोड़ हो गया, मतलब ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब आप सोचिए, लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ साइज क्या लेके आ रही है, प्राइस क्या ला रही है, बेसिकली अगर 10 का फेस वैल्यू होता तो 1260। पेटीएम याद है, लॉस मेकिंग कंपनी 2000 का अपना आईपीओ लेके आई थी, सेम वैसे ही। कंपनी पे कर्ज देखिए, टोटल बोरोइंग देखिए बढ़ती जा रही है, कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है, 2424, 2597, 2787 कर्ज बढ़ता जा रहा है। ओए होए होए, फाइनेंशियल्स पे मैं बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता, मुझे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे, सर लेकिन देखो लॉस तो रिड्यूस कर रहा है ना, 477 से 443 आया। अरे भैया लॉस रिड्यूस कर रहा है, लॉस में है ना, मेरे कहने का मतलब लॉस में हो ना, क्या देख रहे हो, आपको और कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही क्या पैसा लगाने के लिए, बकवास है, हटा दो, सिर्फ आपको लूटने के लिए ये आईपीओ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस आईपीओ में मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी के रिव्यूज भी देखेंगे तो एक आदमी बोल रहा है सब्सक्राइब करो, एक बोल रहा है अवॉइड करो, और मेंबर्स सारे बोल रहे हैं अवॉइड करो। मेरे तरफ से भी बिग नो है भैया, बड़ा वाला नो, बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। सामी होटल्स बकवास है, आपको उल्लू समझ रहे हैं, आपको बेवकूफ समझा जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है भैया आओ पैसा लगा दो और उसके बाद एंजॉय करो। भैया मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, और मैं आप लोग से कहूंगा कि आप इसमें अप्लाई ना करें। देखिए बुल मार्केट है, यहाँ पे कैसा है कुछ भी चल जाता है, तो हो सकता है यहाँ भी आपको कुछ लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन दैट इज ऑल तुक्का, अगर कुछ मिल भी गया, लक लक आपका बार बार साथ नहीं देगा, आपको फंसा देगा कभी ना कभी, यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे आईपीओ की तरफ, और उसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। दूसरा आईपीओ क्या है, दूसरा आईपीओ क्या है, चलिए आईपीओ को देखते हैं,
लिस्ट में जागल प्रीपेड, ओके, इसको देखते हैं ये क्या है। ओके, यहां से ठीक नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, देखिए हम आप सिर्फ टाइप करें अपकमिंग आईपीओ, मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कैसे मैं ये देख पाता हूं, आप भी वो सीख पाएंगे। अपकमिंग आईपीओ आप टाइप करें और सबसे पहला देखिए आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़.com, देख पा रहे हो, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। चलो हमने इस पे क्लिक कर दिया, अब क्या आ रहा है देखते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये पेज आ जाएगा और जागल प्रीपेड जो है हम इसके ऊपर क्लिक करते ना। ये देखिए अब एक जागल प्रीपेड करती क्या है, 2011 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी मतलब जैसे आपका पेटीएम है, फोन पे है ना, इन लोग कस्टमर को या कंपनी को कुछ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इन लोग बैंक को, हेल्थ केयर कंपनियों को, एफएमजीसी को, इन लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सब सप्लाई करते हैं, तो उससे इनको पैसे आते हैं। अब जरा एक बार इनके तो मतलब फिनटेक कंपनी है तो भैया ऑफ लेट बहुत सारे फिनटेक कंपनीज आई हैं, तो आइए देखते हैं इसमें इनके डेट्स क्या है और अप्लाई करना भी है या नहीं। सेम 14 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, 18 सितंबर को बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 फेयर होगा, 1 रुपए, मुझे ये पसंद नहीं है। प्राइस क्या रखा है, 156 to 164। अगर समझ लो 10 का फेस वैल्यू होता तो क्या कीमत होती, 1640 रुपये इसकी कीमत होती। यहां भैया मैं इसमें नॉट इंटरेस्टेड, अभी तक मैं इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई करने में नॉट इंटरेस्टेड, सिर्फ यहां तक। ओके आगे देखते हैं, देखिए 563 करोड़ का इनका टोटल इश्यू है, मतलब इतना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इश्यू क्या दे रही है 392 का और ऑफर फॉर सेल है 171 का। फ्रेश 392, ऑफर फॉर सेल 171, अच्छा है ना, सेम जैसा हमने सामी में देखा था, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखता है इसमें मिलते हैं, ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात। अब जरा डेट्स देख लीजिए एक बार, 14 सितंबर को ओपन हो रहा है, 18 को बंद हो रहा है, 22 को अलॉटमेंट हो जाएगा, सेम वही 25 तारीख तक आपके रिफंड आ जाएंगे, 26 को आपके अकाउंट में आ जाएगा शेयर, अगर आपको इश्यू हुआ तो 27 को लिस्टिंग है, जैसा आपने सामी में देखा। ठीक है, अब जरा एक बार इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लिया जाए। अच्छा उससे पहले देखो भैया इसकी भी कहानी सेम वही है, क्यूआईबी को 75% से कम नहीं मिलेगा, रिटेल को 10% के ऊपर नहीं मिलेगा, यानी कि आपका अलॉटमेंट होने का चांसेस ऐसे ही बहुत कम है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस कम है, सेम सामी की तरह। अच्छा इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने आपको सिर्फ एक ही साल का फाइनेंसिस दिया है, तो मतलब आपके पास यहाँ पे स्टडी करने के लिए कुछ नहीं, यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्टडी। प्रॉफिट 22 करोड़ का है ना, और बोरोइंग जो है इनके पास 121 करोड़ की है, तो हमारे पास और तो कुछ है नहीं कि 22 का या 21 के, अपने पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है, तो मैं अब इसको एनालाइज कैसे करूं। यहां पे ओके पकड़ लो, ठीक है इसको ओके पकड़ लो,
अब देखते हैं भाई, ये जो पैसा ले रहे हैं इस पैसे का करेंगे क्या, ये जो पैसा ये मार्केट से उठा रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसका करेंगे क्या? एक्सपेंडिचर लेंगे कस्टमर एक्विजिशन के लिए, एक्सपेंडिचर टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, रीपेमेंट मतलब जो लोन है उसको चुकाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। तो भैया देखो, जितना इन्होंने अपने बारे में बताया है, ये मेरे हिसाब से एवरेज है, एवरेज या बिलो एवरेज पकड़ी, सामने से ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करने का मन है, अगर किसी को अप्लाई करने का मन नहीं, लिमिटेड पैसे हैं, तो आप ये अप्लाई कीजिए, सामने से ज्यादा अच्छा ये है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट ये प्रॉफिट में है, सामने तो लॉस पे चल रहा है, ये प्रॉफिट में है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप 30% तक के रिटर्न्स जो हैं यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, 30 विल बी ऑन वेरी हायर साइड, हाँ 10%, 12%, 13%, 14%, ये जो है मेरे को थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, वहां तक आपको मिल सकता है, उससे ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आप एक किस्मत, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों मैं सामूही को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूं, और क्यों हम जैगल प्रीपेड को भी उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, बट ओके ओके करके समझ रहे हैं, मैंने आपको उसके कारण बताए। अगर समझ में आया, अगर समझ में आया तो मुझे एक बार यस लिख के जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आया है, तो मुझे लगेगा चलो यार मैं जो मेहनत करता हूँ उससे किसी को कुछ फायदा हो जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।